सुपर स्पेशलिटी का सच मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा, जितना हो सके उतना आप शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर जो है अंदर किसी की जान बचा सकता है। आज किसी पर बीत रही है, कल आपका भी परिवार को इस तरह से अगर किसी को मुसीबत पड़ी, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर हो तो उसको भी इसी हालातों में जो है होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ये देखिए दो बाबा जी बैठे हैं, ये अपनी पंखी लेके बैठे हुए हैं, खिड़की ठंडी हवा ले रहे हैं। इतने पक्के लगी है तो चाहिए की है, एसी लगे तो एसी बंद न पेरे ना। मैनू क्या चक्कर किया एसी कल बंद ना। खराबी कह रही एसी च। बड़ी बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है ना, पक्खे भी नहीं लगे रहे। सवेरे खराब है ना इसी, परसों का मैं सोचा मैं खाली आईसीयू विच खराब नहीं सी। अपनी एसी किन चला रहे एसी? एसी हाँ, तीन दिन से है कह रहे एसी खराब है, बंद है, क्या चक्कर गया? कहीं नहीं चल रहा है एसी, नीचे एडमिन में भी नहीं चल रहा, ऊपर वार्ड में भी नहीं चल रहा। क्या इशू क्या है? पता नहीं शायद लाइट का प्रॉब्लम है मुझे। ये अभी जनरेटर चल रहे हैं? जनरेटर चल रहा है ये? पता है कि एसी की प्रॉब्लम है, कहीं नहीं चल रहा है। इस समय मैं सुपर स्पेशलिटी के बाहर हूँ, मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा है, ये वीडियो जो है सुपर स्पेशलिटी के अंदर से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पेशेंट अंदर दाखिल करवाए गए हैं, उनको इतनी व्यवस्था ही नहीं दी गई कि वहाँ पर वो गर्मी से जो है वो निजात पा सकें। पेशेंट्स अंदर जो हैं वो किसी पंखी से जो है वो खुद को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर फैन तक नहीं चल रहे, अंदर एसी तक नहीं वर्किंग कर रहे। ये हालत है सुपर स्पेशलिटी की। सुपर स्पेशलिटी का सच सामने आया है, जिस शख्स ने ये वीडियो भेजी है, हमने उससे बातचीत की है, उसने क्या कहा है मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। जी सर, आप कब से सुपर स्पेशलिटी में अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और क्या प्रॉब्लम जो है उसको सामना जो है आपको और आपके पेशेंट्स को करना पड़ रहा है? सर हम परसों से हैं जी, इनको अटैक हुआ था जी, तो इनको पैरालाइज हो गया जी, ऑपरेशन था जी। तो तीन दिन से पेशेंट तो आईसीयू में था जी जी। इनके पूरे हॉस्पिटल में एसी, एक एसी होता है ना नॉर्मली जी जी जी, सुपर स्पेशलिस्ट किसको कहते हैं, एक फैसिलिटी मिले जी, इनके एक नॉर्मली एसी नहीं चल रहे थे तीन दिन से। ये आईसीयू का हाल बता रहे हैं आप? ये आईसीयू का, वार्ड का और जनरल वार्ड का। अच्छा, नॉर्मल वहाँ की मैनेजमेंट, किसी से आपकी बात हुई, उन्होंने आपको क्या कहा है, कोई आश्वासन? मैनेजमेंट कोई मिले तो बात करे ना। अच्छा। जो अपना ये नाम है कलीग हैं, के जो भी है डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, इनसे बात होती है, सर हमें नहीं पता पीछे से ये फॉल्ट है। मैंने कहा फॉल्ट क्या है? कि जनरेटर फॉल्ट है, लाइट प्रॉब्लम है। कहते लाइट प्रॉब्लम है। मैंने कहा लाइट प्रॉब्लम है तो जनरेटर तो होंगे जी। तो आईसीयू में जो वार्ड में पेशेंट बैठे हैं जी, जी। तो आप क्या कर रहे हो उसके लिए जी? आप देखिए कि पेशेंट पंखी लेके बैठे हुए हैं, एसी वार्ड में पंखी चल रहे हैं जी। और नर्स खुद बोल रहे हैं कि तीन दिन से एसी नहीं काम कर रहे जी। एक सुपर स्पेशलिस्ट जम्मू के अंदर जी, इतनी नाकामी, इतनी कुछ जी। ये सच्चाई है जो आप जो तस्वीरें अंदर से आई हैं सामने, ये सच्चाई है सुपर स्पेशलिटी के अंदर की? सर ये मैंने खुद वीडियो की है, क्लिप
ये मैंने खुद क्लिप की है जी, साथ में मैं खुद बोल रहा हूँ मैम को जी कि मैम कितने दिन से हो है। और सबसे बड़ी बात, जो आयुष्मान कार्ड के जो रिसेप्शन वाले बैठे हुए हैं जी जी एसी में बैठे हैं, उनका एसी चल रहा है, उनका फैन चल रहा है, बाकी पेशेंट को का बाकियों का नहीं चल रहा है, बाकियों का कहां से चल रहा है? सर आप देखिए तो सही, अगर अगर एलजी मनोज सिन्हा तक ये वीडियो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे उच्च अधिकारी बैठे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मेडिकल सर, ये इनके लिए सर ये एक चीज बताइए, आज जम्मू कश्मीर के अंदर कितना ह्यूमिडिटी है जी, आज अमित शाह जी आए जी, एक डीडीसी को एक वॉशरूम करने के लिए परमिशन मांगनी पड़ रही है अमित शाह जी से जी, एक चेयरमैन को जी, यहाँ से आपको पता लग रहा है कितना धंधाली चल रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जी। ये तो हॉस्पिटल है, लॉकडाउन के दौरान के बीच में भी देखिए क्या हो रहा था, चलिए ये सिर्फ वीवीआईपी के लिए एसी है जी, वीवीआईपी ये सच्चाई आपने जो है वो दिखाई है, और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि सच्चाई आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर संज्ञान जुड़ेगा, क्योंकि आपके पेशेंट नहीं खाली, अंदर बहुत सारे पेशेंट मेरे पेशेंट को छोड़ो, वो तो पेशेंट एक मैं क्या बोलूं, बोलना नहीं चाहिए इंसान को जी। वो है नहीं है एक बराबर पेशेंट जी, जो उसके साथ में घर के मेंबर आ रहे हैं जी, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो गर्मी में बैठे हैं जी जी, कोई फैसिलिटी नहीं है सुपर स्पेशलिस्ट में, सिर्फ ये पैसे कमाने का ढंग बनाया उन्होंने, कुछ भी नहीं है। आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचे ये हम प्रयास करते हैं, हम जनता से भी ये अपील करेंगे कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। ये हॉस्पिटल के अंदर मीडिया को क्यों नहीं जाने देते जी, यही रीजन है जी जी, यही रीजन है, अगर मीडिया एक दिन भी अंदर चली जाए ना, इनके सारी पोल खुल जाती है जी, ये सारी पोल खुल जाती है। चलिए शुक्रिया आपका समय देने के लिए, जो तस्वीरें आपने पहुंचाई हैं, हमने पूरा प्रयास किया है कि इन तस्वीरों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। सुना आपने क्या कहा है, अंदर जो शख्स जिसका पेशेंट जो है वो अंदर दाखिल है, अंदर जो स्टाफ है उससे भी बातचीत की जा रही है, और वो किस तरीके से कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो है इसी तरीके की हालात जो है वो सुपर स्पेशलिटी के अंदर के हैं। ये सच है जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों का, किस तरीके से अंदर व्यवस्था के नाम पर ठेंगा दिखाया जाता है पेशेंट्स को, अंदर किसी की भी सुनवाई नहीं होती, और जो अंदर व्यवस्था दी गई है वो किस तरीके की दी गई है। शायद यही वजह है कि कोई भी शख्स जो है जब भी सरकारी अस्पताल जाने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं 10 बार सोचता है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिलहाल सुपर स्पेशलिटी का सच मैंने आपके समक्ष रखा है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सबसे अपील रहेगी, सबसे अनुरोध रहेगा, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बच्चे बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और एलजी मनोज सिन्हा तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि अंदर जितने भी पेशेंट्स जो दाखिल हैं उनको तो एसी तक नहीं नसीब हो रहा, आईसीयू में पेशेंट्स दाखिल हैं, वार्ड में पेशेंट दाखिल हैं, लेकिन एसी वर्किंग नहीं कर रहा। पुष्टि जो है वीडियो की जो है अंदर से भेजी गई है, इसलिए सोर्स से वीडियो हमारे पास आई है, अंदर मीडिया तो अलाउड नहीं होता सरकारी अस्पतालों में, आप जानते हैं, तो ये वीडियो आप तक पहुंचाई है मैंने, अब आप लोग तय करें क्या सच है क्या नहीं।